9 न्यूज और स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। इस वक्त मैं आप सबकी होस्ट रप्ति लेकर आई हूं आज का हमारा ये खास कार्यक्रम बॉलीवुड स्टार लाइफ, जहां हम बात करने वाले हैं आप सबके बीच वेटेरियन एक्टर रणधीर कपूर के बारे में। अपने छोटे भाई ऋषि कपूर की फिल्म शर्मा जी नमकीन देखने के बाद रणधीर कपूर एक बार फिर से अपनी भूलने की बीमारी के कारण ऐसा कुछ कह बैठी कि बेटे रणबीर अपने पिता की याद में अपने चाचा की हालत बयां करते हुए भावुक हो गए। अपने भाई को खोकर भी अपने भाई को अपने पास चाहने की ये ललक रणधीर की सिर्फ अपनी लाचार कर देने वाली बीमारी के कारण है। आज मैं आप सब की होस्ट रप्ति स्टार लाइफ शो के स्पेशल एपिसोड में यही बताने वाली हूँ। बढ़ती उम्र की वजह से कपूर फैमिली के इस वक्त राज कपूर के इकलौते बेटे रह चुके रणधीर कपूर की हालत कैसी है। दो बेटों को जिस तरह से विदा किया गया राज कपूर के घर से, रणधीर कपूर की हालत अपने छोटे भाइयों को खोने के बाद, माँ और बहन के जाने के बाद इतनी खराब है कि वो अपनी मानसिक हालत भी खो रहे हैं। मानसिक स्थिति अब उनकी सही नहीं रहती है। रणबीर ने अपने चाचा के बारे में कई बातें शेयर की। पिता के खोने के बाद रणबीर के लिए पिता समान रणधीर कपूर ही हैं, चाचा रणधीर ही हैं, जिन पर हमेशा प्यार लुटाते हैं रणबीर। लेकिन चाचा की हालत ने रणबीर को तोड़ा है। करिश्मा करीना भी काफी भावुक है। बबीता कपूर भी जानती है उनके पति की लाचारी कैसी है, जिसके कारण अक्सर वो उनका ख्याल रखती नजर आती है। लेकिन अकेलेपन का दर्द झेलने वाले रणधीर को भूलने की इस बीमारी का सामना किस प्रकार करना पड़ रहा है और परिवार इस कारण कैसे टूटा है, आइए हमारे खास स्पेशल एपिसोड में जानते हैं। अपने छोटे भाई ऋषि कपूर की फिल्म देखने के बाद रणधीर कपूर ने स्टेटमेंट दिया है जिस पर हम बात करना चाहेंगे। जी हाँ, रणधीर कपूर जिनको भूलने की बीमारी है, ये कहा जाता है कि शर्मा जी नमकीन ऋषि कपूर की आखिरी फिल्म देखने के बाद कहा था कि ऋषि कहा है फोन करो। जी हाँ, आखिर इस तरह के स्टेटमेंट उनकी तरफ से कैसे आए। वैसे तो फैमिली के लोग भी, रणधीर कपूर भी काफी भावुक हुए हैं ऋषि की फिल्म के रिलीज के बाद, देखने के बाद। ऋषि के बेटे रणबीर कपूर ने भी दिल तोड़ देने वाली बात कही थी। खैर, यहाँ पर अभी रणबीर के अंकल रणधीर की बात करेंगे, जिन्हें घुटनों के दर्द की तकलीफ ने मजबूर किया है कि वो सहारा ले दूसरों का, तभी वो चल पाते हैं। खुद से चल भी नहीं पाते, बिना बैसाखी के तो वो खड़े भी नहीं हो पाते। नसों की प्रॉब्लम है उन्हें, जिसके कारण बीमार वो रहते हैं। ऐसे में रणधीर कपूर को अपने भाई की याद फिर से सता रही है। तो वहीं आप सबको हम बता रहे थे कि इस तरह से रणधीर कपूर इमोशनल हुए अपने भाई की याद कर। उन्होंने काफ़ी कुछ बताया। जैसा कि आप जानते ही हैं कि रणधीर कपूर को लेकर रणबीर ने भी खुलासा किया है। रणधीर कपूर को लेकर रणधीर के भतीजे ऋषि के बेटे रणबीर ने खुलासा किया कि रणधीर को दरअसल भूलने की बीमारी शुरू हो गई है और ये उनकी शुरुआती स्टेज है। और फिल्म देखने के बाद रणधीर अपने भाई को याद कर बैठे और वो भूल बैठे कि ऋषि कपूर इस दुनिया में है ही नहीं। रणबीर से पूछने लगे, ऋषि कहाँ है? उनके भाई के काम की जमकर तो तारीफ की, कहाँ है ऋषि, ये कहकर पुकारने लगे थे रणधीर कपूर। बीते 2 साल में अपने 2 भाई को खोकर वो इस तरह से सदमे में है कि उनकी दिमागी हालत भी बिगड़ती जा रही है। जी हाँ, इस बात का बहुत ही गहरा सदमा लगा है रणधीर कपूर को कि उनके 2 छोटे भाई उन्हें छोड़कर चले गए। इससे पहले उनकी बहन रितु नंदा भी उन्हें छोड़कर चली गई, जो उम्र में उनसे छोटी थी। ऐसे में भतीजे रणबीर ने खुद खुलासा किया कि डेमोनशिया नाम की भूलने की एक बीमारी है, जिसकी शुरुआती स्टेज तक रणधीर कपूर की हालत पहुंच चुकी है। अगर रिपोर्ट्स की माने तो एक इंटरव्यू में रणबीर कपूर ने बताया, उनके अंकल रणधीर कपूर जिनको डेमोनशिया की शुरुआती स्टेज का सामना करना पड़ रहा है, इस फिल्म को देखने के बाद इस बीमारी के कारण वो उनके पास पहुंचे और बोले, डैड को बताओ वो शानदार है और वो कहाँ है, चलो फोन करते हैं। ये कहकर वो उनके पास गए
और तारीफ करने लगे। फैमिली मेंबर्स काफ़ी दुखी हैं। रणबीर कपूर ने बताया कि अपने भाई बहन को खोने के दर्द में रणधीर कपूर उनके चाचा बहुत टूटे हैं। अक्सर वो दुखी रहते हैं, अपनी ज़िंदगी में बहुत ही अकेलापन वो महसूस करते हैं। साल 2021 में भी एक इंटरव्यू में रणधीर ने खुद से ही जानकारी दी थी, कहा था उन्होंने। बताना हम आप सबको चाहें कि रणधीर कपूर ने इंटरव्यू में ये बताया था कि उनकी ज़िंदगी बहुत ही दुखद हो चुकी है, उनकी ज़िंदगी में दुख ही दुख इस वक्त रहने लगा है, काफ़ी दुख उनकी ज़िंदगी में है। ये आपको जानकारी देना चाहेंगे कि दुख तो उन्हें पहले भी था, हल्का शब्द हो जाएगा दुख कहना, दुखद कहना भी कठिन हो जाएगा। 10 महीने के अंदर में उन्होंने अपने दो भाई को ऐसे खोया मानो अपने दो बच्चे को खोया है। छोटे भाई छोटे बच्चों के समान होते हैं। बीते 2.5 साल में अपनी माँ कृष्णा कपूर, अपनी बहन रितु नंदा और फिर दो भाई को खोकर वो एक के बाद एक सदमे में डूबे हैं। एक सदमा से वो उभर नहीं पाते कि दूसरा सदमा उन्हें अंदर से तोड़ देता। यहाँ आप सबको बताना चाहेंगे, तीनों बहुत क्लोज थे रणधीर के साथ, उनके दोनों ही भाई बहुत क्लोज थे। चिंटू चिंपू और रणधीर कपूर हर वक्त एक दूसरे के साथ रहना पसंद करते थे। राज कपूर मेंशन को छोड़ना रणधीर के लिए भी बहुत कठिन था, लेकिन उन्होंने राज कपूर के मेंशन को छोड़ा, अपने पिता के मेंशन को छोड़ा, क्योंकि वहाँ बचपन की यादें माँ बाप के साथ गुजारे हुए वक्त थे। चिंपू और चिंटू की बात की जाए तो उनके बारे में रणधीर का कहना था कि वो राज कपूर के कपूर मेंशन में उनके साथ रहते थे। शूटिंग जब वो नहीं करते तो ऑफिस आते, फ़ोन करते, एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करते और साथ साथ में मस्ती करते, ड्रिंक्स करते, और किसी और की उन्हें ज़रूरत कभी नहीं होती थी जब वो साथ हुआ करते थे। इस तरह से रणधीर कपूर ने अपना दर्द छलकाया, इस तरह से रणधीर कपूर ने अपनी बात रखी। और रणधीर कपूर इस वक्त जो कि दूसरे घर में शिफ्ट हुए हैं, जो कि अपनी बेटियाँ करीना और करिश्मा कपूर के बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ गए हैं, क्योंकि उनकी बीमारी की वजह से करीना और करिश्मा ने फैसला लिया कि वो अपने पिता को अपने घर के बिल्कुल पास रखेंगे। ये फैसला उनका इसलिए भी था क्योंकि रणधीर और बबीता साथ साथ नहीं रहते। पत्नी से वो काफ़ी साल पहले अलग हुए थे। पत्नी और पति के साथ रिश्ते में तकरार जरूर है, लेकिन इन दोनों ने तलाक इसलिए नहीं लिया क्योंकि इन दोनों की ज़िंदगी में कोई तीसरा नहीं था। सिर्फ रणधीर की बुरी आदत, नशे करने की आदत ने ही बबीता को उनसे दूर कर दिया था, जिसके कारण वो काफ़ी ज़्यादा टूटी थी। तो जाना आपने कि वाकई में रणधीर कपूर को लेकर ये रिपोर्ट क्या कहती है, जो कि रणबीर कपूर के इंटरव्यू से जुड़ा हुआ था। रणबीर के इंटरव्यू से जुड़ा, रणधीर कपूर के इंटरव्यू से जुड़ा, ऋषि राजीव के जाने के बाद कपूर परिवार के हालातों को बयां करने वाला आज का शो हमने आपके बीच पेश किया। फिलहाल अब वक्त हो चला है इस खास रिपोर्ट के साथ आपसे इजाजत लेने का। ऐसी तमाम बाकी खबरों के लिए, हिंदी सिनेमा जगत की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।